हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बाबर द्वारा भारत में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित है। आज उन युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे आप बहुत ही कम समय में याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। बाबर ने भारत में चार महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। वैसे बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण उसका 1519 में था। वह आक्रमण यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। तो चलिए समझते हैं इन युद्ध के बारे में और उसे याद करने का जो तरीका है उसे समझेंगे। यहाँ पहला युद्ध है पानीपत की प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध, चौथा है घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध में बाबर विजय होता है। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से इसे समझेंगे। तो आप ऐसा सोचकर इस ट्रिक को समझिए कि कुछ आप लोग दोस्त हैं और पिकनिक पे जाते हैं। जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य खाना पीना होता है। यहाँ भी उसी से संबंधित ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पानी लाया, खाना बनाया, खाना चखा, घर चला गया। यहाँ देखिए जो ब्लैक से बोल्ड है वह युद्ध का नाम है। चलिए एक एक कर समझते हैं। पहला में क्या है, पानी लाया, पानी से हो गया पानीपत की प्रथम युद्ध। दूसरा है खाना बनाया, खाना से हो गया खानवा का युद्ध। तीसरा है खाना चखा, चखा से हो गया चंदेरी का युद्ध। चौथा है घर चला गया, घर से हो गया घाघरा का युद्ध। पहला पानीपत की प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। अर्थात पानी लाया, खाना बनाया, खाना चखा, घर चला गया। अब देखिए ईयर याद करने का भी आसान तरीका है। अगर आपको पानीपत की प्रथम युद्ध का ईयर याद है तो बाकी का आराम से याद रख सकते हैं। सबसे पहले एक पैटर्न में आपको रखना है, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध और चौथा युद्ध। आपको ईयर याद रखना है 1526। यदि आपको याद है कि पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है तो उसके बाद का युद्ध सभी एक ही क्रम में है। 26 के बाद देखिए 27 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 29 है। तो एक याद रखिए, बाकी सब याद हो जाएगा। अब देखिए कौन सी युद्ध किसके साथ लड़ा गया उसे समझते हैं। आपको याद रखना है बाबर की सेना रात्रि में विराम करता था। बाबर की सेना रात्रि में विराम करता था। विराम का अर्थ होता है आराम। यहाँ पे विराम इंग्लिश अल्फाबेट में है, उसे समझना होगा। विराम की जो स्पेलिंग है BIRAMA, यहाँ बी से बाबर है। सभी युद्ध में बाबर विजय होता है। आई से इब्राहिम लोदी, यानी पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर इसमें विजय होता है और यहाँ मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं, मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तो बाबर ने किया। किसको हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था क्योंकि इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई। आर्य से यहाँ पे राणा सांगा हो गया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इस युद्ध में बाबर विजय होता है। एम से हो गया मेदिनी राय, अर्थात चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ, इस युद्ध में भी बाबर विजय होता है। ए से अफगान है। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध है जो बाबर और अफगानों के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजय होता है। तो आराम से इस ट्रिक के माध्यम से चारों युद्ध को याद रख सकते हैं। अब युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसे समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया। तो प्रश्न आता है बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया, तो वह है पानीपत के प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपखाना का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। दूसरा खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर बहुत ही दानी था इसलिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। एक बार दोबारा रिविजन कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, पानी लाया, खाना बनाया, खाना चखा, घर चला गया। पानी लाया से पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना बनाया से खानवा का युद्ध, खाना चखा से चंदेरी का युद्ध, घर चला गया से घाघरा का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ उसको भी दोबारा रिपीट करते हैं। तो आपको याद रखना विरामा अर्थात विराम। पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, तीसरा युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ, चौथा युद्ध होता है अफगानों के साथ और सभी युद्ध में बाबर विजय होता है। अंत में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।